हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और ऐसा इतिहास ही जल्दी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। भावनाएं समझें, बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं जिसके कारण कहीं न कहीं स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा कि मैंने डे वन में ही आपसे प्रॉमिस किया था, अब मैं एक भी दिन गैप नहीं करूंगा अपनी क्लास, व कोरोना ना हो जाए। नहीं, हल्के फुल्के बीच में सिम्टम्स लगे तो डर गया मैं कहीं कोरोना ना हो जाए। नहीं, लेकिन अब मैं घर पे ही हूँ, स्वस्थ हूँ, आप लोगों की दुआएं काम कर गई तो हम लोग फिर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। और एक बात आप नोट कर लीजिए, अब मैं डेली लाइव क्लास लेने जा रहा हूँ, कल से डेली लाइव क्लास होगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे कितनी घंटे आप पढ़ सकते हैं कंटिन्यू। बीच में आपने सुना होगा कई सारी क्लासेस, कई सारी यूट्यूब चैनल्स ना 24-24 घंटे क्लास ले आए, 12-12 घंटे, बहुत बड़ी क्लास है 12 घंटे 24 घंटे। हम भी लाएंगे 12 घंटे 24 घंटे क्लास और पता चले एक ही क्लास में हिस्ट्री खत्म, एक ही क्लास में पॉलिटी खत्म, एक ही क्लास में ज्योग्राफी खत्म, एक ही क्लास में इकोनॉमी खत्म, एक ही क्लास में 6 महीने साल भर का करंट खत्म। तो बस आप लोग विश्वास बनाए रखिए, और जो थोड़े बहुत व्यूज कम आ रहे हैं तो आप लोग समझिए भाई, अब मेहनत किया जा रहा है आपके लिए और लगातार आप क्लास देखिए और पूरी देखिए। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, इस्लामिक कैलेंडर या इस्लामिक संवत। अब है क्या इस्लामिक कैलेंडर? तो इस्लामिक कैलेंडर को हम अरेबिक कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। अरेबिक और हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है इस्लामिक कैलेंडर या मुस्लिम कैलेंडर को। जैसा कि आप जानते हैं कई सारे कैलेंडर होते हैं, कई सारे संवत होते हैं, जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ये वाला जो हम लोग मानते हैं, तो एक हुआ ग्रिगोरियन कैलेंडर, एक होता है विक्रम संवत या हिंदू संवत। अभी जो चैत में या यूं कहें कि मार्च अप्रैल में जो नवरात्रि आया या आता है जनरली, इस बार अप्रैल में आया ना नवरात्रि, तो ये हिंदू नववर्ष है, हिंदू नया साल है जिसको हिंदू संवत या विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। जो पंडित जी वगैरह पंचांग देख के शादी वगैरह विचारते हैं ना, शादी बनाते हैं, तो वो उनके पास विक्रम संवत होता है, ना कि ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो कई सारे कैलेंडर हैं, ये एग्जाम्स में प्रश्न पूछा भी जाता है, जैसे हिंदू या विक्रम संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको लगभग पूरी दुनिया इसी को फॉलो करती है, अप्लाई करती है। एक हुआ इस्लामिक कैलेंडर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, एक होता है शक संवत, एक होता है गुप्त संवत, एक होता है इलाही संवत, तो कभी कभी मैच भी करा देता है। तो सबसे पहले विक्रम संवत या हिंदू संवत, उसके बाद में फिर शक संवत, फिर गुप्त संवत, उसके बाद में फिर ये इस्लामिक कैलेंडर या फिर हिजरी संवत, और फिर किसका नंबर आएगा इलाही संवत। तो बहुत पूछा जाता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉइंट में करवाऊंगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं आपका। तो आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इस्लामिक संवत या इस्लामिक कैलेंडर, जिसको हम अरेबिक या हिजरी संवत के नाम से, कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली जो 12 महीने दिए गए हैं ना, आप जानते हैं हिंदू या विक्रम संवत में भी 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ सावन भादो कुवार कार्तिक गगन पूष माघ, ऐसे ही ना किसमें कैलेंडर होते हैं, ऐसे ही महीने होते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर में भी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और ऐसे ही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। ये 12 जो महीनों के नाम लिखे हैं थोड़े से कठिन हैं, भावनाएं समझिएगा, ये उर्दू नहीं है, ये फारसी नहीं है, अरबी है। एक्चुअली ओरिजिन ऑफ इस्लाम, इस्लाम का उदय आपको मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा, इस्लाम का उदय अरब से होता है, ओके। तो
अरबी इनकी मूल भाषा हुई। तो अरबी में ये 12 महीनों के नाम लिखे गए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है ना, ये रमजान या रमादान, ये रमजान, रमजान के महीने के बाद ही क्या आएगा, ईद आती है, ईद उल फितर सुना होगा आपने। तो ईद उल फितर का त्योहार, ईद का त्योहार कब आएगा आपको पता है? तो याद रखना, रमजान महीने में नहीं आएगा, रमजान महीने के बाद जो महीना होगा, मतलब दसवां महीना, जिसका नाम क्या है, सवाल, सवाल, तो सवाल में आएगा क्या, ईद उल फितर, ईद का त्योहार। समझ में आया ना? ऐसे ही आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कराता जाऊंगा। तो कुछ तो महीने आपको याद होंगे, जैसे मुहर्रम, ये जो देख पा रहे हैं पहला महीना, ये याद है मुहर्रम आपको। मुहर्रम जनवरी, जनरली सितंबर अक्टूबर में पड़ता है, और मुहर्रम में ताजिया निकलती है, सुना होगा आपने। तो पूछा गया प्रश्न है, हु पार्टिसिपेटिंग ताजिया, ताजिया में कौन भाग लेता है? तो सिया सुन्नी दो मुसलमान होते हैं। एक्चुअली जो इस्लाम का ओरिजिन देखा जाए या इस्लाम के बारे में बताया जाए तो आपको पता होगा मोहम्मद साहब, या फिर आपको पता होगा आदम और ईब, क्रिश्चियन भी मानते हैं एडम और ईब के बारे में। तो आदम पहले प्रॉफिट थे, पहले पैगंबर थे, और अंतिम पैगंबर किसे माना जाता, मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना की यात्रा करी, कहां से कहां से, कहां से कहां तक, मक्का टू मदीना, मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं मोहम्मद साहब, और यही घटना ना हिजारत कहलाई, क्या कहलाई, हिजारत कहलाई, और यहीं से फिर हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो याद रखना 622 ईस्वी में, ईस्वी बोले तो एडी, मतलब वो सारी घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई उनको हम एडी बोलते हैं, उनको हम एन्नो डोमिनी या ईस्वी बोलते हैं। तो 622 ईस्वी में माइग्रेशन हुआ था मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का, मक्का से मदीना, याद रखना भूलना मत। तो मक्का से मदीना की यात्रा मोहम्मद साहब ने कब करी थी, 622 ईस्वी में करी थी, एडी में करी थी, और ये घटना हिजारत कहलाई, और यहीं से हिजरी संवत या अरबी कैलेंडर या फिर इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन ऑफ द डे भी कह सकते हैं इसको आप, कि ये बताइए किस वर्ष इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत या फिर अरबी कैलेंडर की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में, 622 एडी में, और इस दिन क्या हुआ था। तो मोहम्मद साहब जो कि पैगंबर हैं, थे अंतिम पैगंबर, थे लास्ट प्रॉफिट थे मुस्लिम्स के, इस्लाम की, उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा करी थी, माइग्रेशन हुआ था, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान जाते हैं हज करने, कहां जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, दुनिया का एक बड़ा क्या है, पवित्र तीर्थ स्थल है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, मक्का मदीना सऊदी अरब, ठीक ना। तो कौन से महीने में जाते हैं, तो याद रखना ये जो दुअल हिज्जा है, लास्ट मंथ है ना, इसी में मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं। जैसे आपको पता होगा जो हिंदू लोग हैं ये लोग ना गया करने जाते हैं, सुना होगा गया करने, जो अपने पूर्वज वगैरह होते हैं उनका पिंड दान करने, ताकि उनकी आत्माएं भटके वगैरह ना, तो पिंड का पिंड दान करने जाते हैं, गया करने जाते हैं ना, तो सुना होगा कौन से महीने में जाते हैं। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है ये, यूपी के पीसीएस वगैरह एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पितरपक, एक समय होता है जो पितरपक लगता है, सुना होगा गांव में कहा जाता है लाख पितरपक चलो गया का, चलो गया का, मतलब पितरपक एक ऐसा महीना होता है जिसमें पूर्वजों का पिंड दान किया जाता है। तो उनके जो बच्चे होते हैं, उनके जो संतानें होती हैं, वो अपने पूर्वजों, अपने बाबा दादा, दादा नानी, इन सबकी आत्माओं की शांति के लिए गया करने जाते हैं, है ना, हुआ के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दुअल हिज्जा जो अंतिम महीना है, इसी में हज करने मुस्लिम से जाते हैं, ठीक ना। मुहर्रम, तो मुहर्रम में क्या होता है, शिया और सुन्नी दो कॉन्सेप्ट है याद रखना। तो जो ताजिया निकालते हैं वो सुन्नी नहीं निकालते, ताजिया में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो याद रखना
जो ताजिया निकाली जाती है इसमें सिया पार्टिसिपेट करेंगे। कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिया पार्टिसिपेट करेंगे। देखा होगा आपने मेरी तरह जैसे मैंने टी शर्ट पहना है ऐसे काले कपड़े पहने होते हैं सिया मुस्लिम्स, वो अपने शरीर पर ब्लेड चाकू वगैरह ना मारते हैं, चैन वगैरह, और क्या बोलते हैं, या हुसैन, है ना, तो उनकी शहादत को याद करते हैं अली और हुसैन। तो अली कौन थे? वो खलीफा थे, सिया खलीफा माने जाते हैं, और अलबकर सुन्नी खलीफा थे। तो ताजिया में पार्टिसिपेट कौन करता है, कौन मातम करता है? तो सिया मुस्लिम्स करते हैं, सिया सुन्नी। ये मतभेद है, आगे पढ़ाऊंगा आपको, मोहम्मद साहब के बाद ही मतभेद स्टार्ट हुआ, सिया सुन्नी का कांसेप्ट आया। तो मोहम्मद साहब के बाद जो मुसलमान अली को अपना खलीफा मानते थे, जो मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी अली को मानते थे वो कहलाए सिया, और जो मुसलमान अलबकर को अपना खलीफा मानते थे, मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी मानते थे, वो कहलाए सुन्नी। ओके, तो ताजिया में कौन पार्टिसिपेट करता है? तो याद रखना सिया करते हैं, मुहर्रम सिया सुन्नी दोनों का, मुसलमान दोनों मुसलमानों का त्योहार है, ठीक ना। दुनिया में सबसे ज्यादा सिया कहाँ है? तो सऊदी अरब में नहीं बल्कि ईरान इराक में है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सुन्नी कहाँ है? तो ईरान इराक में नहीं है बल्कि कहाँ है? सऊदी अरब में है। भारत में लगभग कुल मुस्लिम पॉपुलेशन का 80% लगभग सुन्नी है और 20% सिया है, क्योंकि भारत में मोस्टली जो राज किया, रूल किया, चाहे दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगलों की बात करें, तो मुस्लिम में सुन्नियों ने ज्यादा किया, इसलिए भारत में सुन्नी तादाद ज्यादा है कंपेरिजन ऑफ सिया की। तो ये 12 महीने याद रखना, भूलना मत, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वाल, रबी उल थानी, जुमादल उला, जुमादल उखरा, रजब, साहबान, रमजान या रमादान, है ना, है? और फिर साहबान, अच्छा हो गया, फिर सवाल और दुअल कायदा और दुअल हिज्जा, दीज आर 12 मंथ इन इस्लामिक या अरेबिक या हिजरी कैलेंडर। पॉइंट शुड बी नोटेड, जनरली क्या होता है कि हिंदू सम्मत हो या ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, इन दोनों कैलेंडर की बात करें तो इनमें 365 दिन 365 डेज का ईयर होता है, लेकिन यहाँ पर कितने दिन का होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 354, 354, जैसे 365 या 66, भाई 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है ना, तो क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती 365 दिन और लगभग 6 घंटे में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आगे पढ़ाऊंगा, तो यही 6 घंटे 4 साल में क्या हो जाता है, दिन का रूप ले लेता है, इसीलिए 4 साल में एक साल ऐसा आता है जो लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 की होती है, साल 366 दिन का होता है, 366 डेज का होता है। ऐसे ही याद रखना यहाँ पर जनरली दिन कितने का होता है इस्लामिक कैलेंडर में, 354 दिन का, और 4 साल में क्या होता है तो वो 355 दिन का हो जाता है। तो अगर पूछा जाए इस्लामिक कैलेंडर या अरेबिक कैलेंडर, या फिर आपसे अगर पूछा जाए हिजरी कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है, तो याद रखना 354 दिन का होता है, 354 डेज का होता है, याद रखना है, भूलना नहीं आपको। हाँ, अब जब इसका एक महीना कितने का होगा तो 30 दिन से कम होता है, लगभग 29-30 दिन का होता है, 29.5 दिन समझिए आप, ठीक ना, तो 30 दिन से कम होता है हर महीना किसमें, इस्लामिक कैलेंडर में। ओके, तो ये आपको बेसिक बातें बताई गई इस्लामिक कैलेंडर के बारे में, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, तो जब अंतिम प्रोफेट थे, अंतिम पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा करी, जो माइग्रेशन हुआ 622 AD को ईस्वी को, यहीं से घटना हिजारत कहलाई, यहीं से हिजरी कैलेंडर या फिर इस्लामिक कैलेंडर या अरेबिक कैलेंडर मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई। तो ये अंतिम पैगंबर थे मोहम्मद साहब, और पहले पैगंबर कौन थे, आदम थे। ओके, एडम वॉज फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ये याद रखना, भूलना नहीं आपको, ठीक। और जो सिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट है वो मोहम्मद साहब के बाद उनके मरने के बाद आया, मोहम्मद साहब वॉज डाइड इन 630 AD, 630 ईस्वी मर गए, देन आफ्टर खलीफा सिस्टम वॉज स्टार्टेड, खलीफा प्रथा की शुरुआत हुई, तब आएगा सिया सुन्नी। हाँ, और 1919 में जो आंदोलन हुआ था खिलाफत आंदोलन, फिर 1920 में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में
ये जो आंदोलन हुआ था इसको वापस ले लिया जाएगा खिलाफत आंदोलन, और इस तरीके से खलीफा सिस्टम भी समाप्त हो जाएगा। तो आगे हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे, और अब याद रखना, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना है, कंजूसी मत करिए, और सब्सक्राइब जरूर करिए। बीच में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ेंगे। फिर भी आप लोगों को विश्वास है कि कम से कम अनसब्सक्राइब तो नहीं किया आपने चैनल, और चैनल से जुड़े हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट फेथ हम पर बना हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है। कनेक्टिविटी जो बनी हुई है, टूटे ना बस, है ना, कनेक्टिविटी तो टूटे ना, इसीलिए अब हम लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं। लाइव सेशन के माध्यम से हम फिर जो अपना प्लान था जीके जीएस एसएसटी को प्रिपेयर करने का, पूरा जीके जीएस एसएसटी को हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, लाइव सेशन ज्यादा बढ़िया होता है, इंटरेक्ट अच्छा इजीली हो जाता है आदमी सामने से, और अपने क्वेश्चन एट द टाइम पूछ सकता है। ये सारी खासियत होती है जिसके कारण ही हम लोग लाइव अब आ रहे हैं कल से डेली। ओके, तो ये पूरे 12 महीने जो हैं ये नोट कर लें, याद कर लें, और इनको भूलिएगा भाई नहीं। ये 354 क्या है, डेज है, हाँ ना, ये 12 क्या है, महीने है इस्लामिक कैलेंडर के। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, नोट डाउन कर लें आप।